नमस्ते दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था हमने, और आज हम जो इस लेक्चर में पढ़ेंगे बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन पढ़ेंगे हम। तो देखो इसका फर्स्टली इसका जो इंट्रोडक्शन क्या है, इन 1896 बोल्ट्जमान ड्राइव ए रिलेशन इन बिटवीन एंट्रोपी ए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी एंड प्रोबेबिलिटी ए स्टैटिकल क्वांटिटी दैट कॉल्ड ए बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन। यानी कि उन्होंने क्या किया, एंट्रोपी में और प्रोबेबिलिटी में रिलेशन फाइंड आउट किया, ठीक है, जिसे बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन कहते हैं। एग्जैक्टली ये रिलेशन फाइंड आउट करने का रीजन क्या था कि किसी भी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर दो प्रॉपर्टी बोल्ट्जमान ने नोटिस की हमने, और वो प्रॉपर्टी क्या नोटिस की उन्होंने, पहली प्रॉपर्टी नोटिस की कि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू रखती है, और दूसरी प्रॉपर्टी की हमने क्या की कि उसकी एंट्रोपी भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो दोनों क्वांटिटी जो है वो मैक्सिमम होने की वजह से हमने सोचा कि इसमें पक्का कोई ना कोई एक रिलेशन अवश्य होना चाहिए। वहां पर उस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने एक एडिशन और लिया, उन्होंने वो क्या लिया उन्होंने कि बोल्ट्जमान अज्यूम दैट एंट्रोपी एस, जो एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट किया गया है, ऑफ ए सिस्टम इज ए फंक्शन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू। मैंने बताया ना आपको कि एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी दोनों क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो बोल्ट्जमान ने कहा कि एंट्रोपी पक्का किसका फंक्शन होना चाहिए, एक प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होना चाहिए। तो उन्होंने उसको इस प्रकार रिप्रेजेंट किया कि एस इज ए फंक्शन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी। अब देखो आप अज्यूम करो कि हमारे पास कोई भी दो बॉक्स हैं, यानी कि वो एग्जैक्टली एक ही बॉक्स है लेकिन उसका डिवाइडेशन किया गया है। तो बॉक्स ए जो है उसकी लेट अज्यूम उसकी एंट्रोपी एस1 है, और उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी आपकी ओमेगा 1 है, और दूसरा बॉक्स थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डब्ल्यू टू होगी, और उसकी बॉक्स जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, एस टू होगी। तो यानी कि जो एंट्रोपी होगी पूरे सिस्टम की वो हम कैसे याद करेंगे, एग्जैक्टली एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, यानी कि उसे एडिशन द्वारा उसको टोटल सिस्टम की एंट्रोपी ज्ञात की जाती है। तो इन दोनों बुक्स को अगर मिला के देखा जाए तो टोटल सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी वो एग्जैक्टली क्या होगी, वो होगी एस इक्वल टू एस वन प्लस आपका एस टू। ये पूरे सिस्टम की क्या होगी, एंट्रोपी होगी। अब देखिए प्रत्येक बॉक्स है, प्रत्येक बॉक्स के लिए उस पार्टीशन के लिए हम अगर एंट्रोपी का फंक्शन लिखे हैं अगर, तो क्या होगा, ये देखो एस वन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ओमेगा वन, और यहाँ पे W जो है वो क्या एग्जैक्टली थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, और मैंने यहाँ पे W1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, पहले बॉक्स का जो है वो उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है। और सिमिलरली मैं S2 के लिए क्या लिखूंगा कि इट इज ए फंक्शन ऑफ ए ओमेगा सॉरी W2, एग्जैक्ट हो गया। और इन दोनों की वैल्यू को मैं यहाँ अगर पुट करता हूँ तो एग्जैक्टली मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W1 प्लस फंक्शन ऑफ W2, एग्जैक्टली हो गया। यानी टोटल एंट्रोपी को हमने क्या किया, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के फंक्शन में लिखा। अब एग्जैक्टली देखो कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पार्ट ए इज इक्वल टू ओमेगा वन, ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इसकी पहले बॉक्स की वो क्या होगी, डब्ल्यू वन होगी। सिमिलरली वो क्या होगी, पार्ट बी की क्या होगी, आपकी डब्ल्यू टू होगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम अगर पूरे सिस्टम की अगर प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी हमेशा मल्टीपल फंक्शन में ऐड होती है हमेशा, यानी कि टोटल सिस्टम की हम अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अगर, तो वो क्या होगी, वो प्रोबेबिलिटी होगी, वो होगी आपका W1 गुणा W2, और उस प्रोबेबिलिटी को मैं यहां पर केवल सिंपल W से लिख देता हूं, यानी W क्या है, पूरे सिस्टम की टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब देखो इस प्रोबेबिलिटी को हम अगर इस एंट्रोपी के फंक्शन में रखें हम अगर, तो हम एग्जैक्टली क्या रखेंगे, हम वहां रखेंगे कि S is equal to F function of omega 1 into omega 2, exactly हुआ, यानी इस total probability को पूरे system की मैंने क्या किया, इस function में यहाँ पर put किया, तो मुझे ये exactly मिला। अब देखो
इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, दोनों इक्वेशन क्या है, एंट्रोपी की इक्वेशन है और ये एंट्रोपी इस फंक्शन के बराबर है और ये एंट्रोपी इसके बराबर है, तो क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो एग्जैक्टली इसके लिए मैं जो नई इक्वेशन लिखूंगा वो क्या लिखूंगा कि फंक्शन ऑफ ओमेगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा 2 शुड बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ ओमेगा सॉरी W1 प्लस आपका फंक्शन ऑफ W2। एग्जैक्टली हो गया। नाउ अब हमारा मकसद क्या है, हमें एंट्रोपी का रिलेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे बारी बारी से। पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे ओमेगा 1 यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट ए के साथ, और सेकेंड हम क्या करेंगे पार्ट बी की प्रोबेबिलिटी के साथ। तो मैं इस फंक्शन इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट ए यानी W1 के रेस्पेक्ट में। तो मेरी वो भी डिफरेंशिएट कैसा कर रहा हूं, पार्शियल डिफरेंशियल कर रहा हूं, ठीक है। देखो मेरा फंक्शन क्या लिखूंगा मैं, डब्लू और वन, और ये आपका टोटल फंक्शन हो जाएगा ओमेगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा 2 इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ विद रिस्पेक्ट टू W1 और W1 प्लस फंक्शन ऑफ, और यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एंड फंक्शन ऑफ W2। एग्जैक्टली ये इस प्रकार पार्शियल डिफरेंशियल करूंगा। तो देखो इसके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल करूंगा, इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, पूरे फंक्शन का एक बार डिफरेंशियल हो जाएगा और आपका यानी कि मैंने एक डॉट ऊपर लगा दिया, मतलब इस फंक्शन का एक बार डिफरेंशियल हो गया, अब क्या होगा अंदर डिफरेंशियल होगा। तो देखो जो W1 के साथ डिफरेंशियल होगा तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा डॉट आपका W2 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगर मैं कंटिन्यू इक्वेशन करूं, देखो यहां फंक्शन में क्या होगा, ये फंक्शन एक बार डिफरेंशिएट हो जाएगा, यानी कि ये फंक्शन आ जाएगा F.W1 और ये फंक्शन है वो W2 का फंक्शन है जो डिफरेंशिएशन किसके साथ है, W1 के साथ है, तो क्या होगा वो वहां से हट जाएगा। तो मुझे नई इक्वेशन मिली। सिमिलरली इसी इक्वेशन को वापस मैं डिफरेंशिएट करता हूं किसके साथ, W2 के साथ। तो अगर मैं W2 के साथ अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं अगर, तो मुझे नई इक्वेशन क्या मिलेगी, मैं उस इक्वेशन को डायरेक्टली लिख रहा हूं, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, मैं उस इक्वेशन को डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पर वो इक्वेशन मुझे क्या मिलेगी, वो मुझे इक्वेशन मिलेगी F dot omega 1 multiply omega 2 and dot आपका omega 1 equal to function का differential and W2। ये मुझे मिलेगा, यानि कि ये equation मुझे किससे मिली, इस equation के W1 के साथ differential करने पर, वही partial differential करने पर, और ये किसके से मिली मुझे, उसका partial differential के equation का W2 के साथ। अब देखो मुझे जो दोनों equation मिली है, इन दोनों equation को मैं करता हूँ डिवाइड करता हूं, यानी कि इन रेशियो लेता हूं, डिवाइड में लेता हूं अगर, तो देखो इस इक्वेशन को डिवाइड में लेता हूं अगर, देखो f डैश आपका और ओमेगा सॉरी W1 W2 और मल्टीप्लाई विद एंड डिवाइड बाय फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ W1 मल्टीप्लाई W2 एंड W1 इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ W1 अपॉन डिफरेंशियल ऑफ W2, ठीक है। यहां से देखो, यहां से ये दोनों फंक्शन क्या होंगे, कैंसिल, की दोनों सेम फंक्शन है, तो एक जो हमारा फॉर्मूला बचेगा, मैं इसको वापस लिख देता हूं, वो फॉर्मूला क्या बचेगा, एक बार डिफरेंशियल ऑफ W1 इक्वल टू ये W2 एंड इक्वल टू ये यहां बचेगा W2 अपॉन W1, ये हमारा जो है वो मेन फंक्शन बचेगा। अब देखो इस इक्वेशन में इसको वज्र गुणा कर देता हूं, ठीक है ना, ठीक है, वज्र गुणा करूंगा तो क्या होगा, मेरी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो इक्वेशन बनेगी एक बार डिफरेंशियल ऑफ W1 डॉट आपका W1 इक्वल टू आपका एक बार डिफरेंशियल और आपका W2 और ये आ जाएगा आपका W1। एग्जैक्टली ही मेरी जो है मेरी वो क्या आ गई, मेरी वो इक्वेशन आ गई वहां पर। अब देखो इसको मैं एग्जैक्टली क्या मान लेता हूं, कोई भी कांस्टेंट के मान लेता हूं, क्योंकि अगर मैं वहां पर बॉक्स बढ़ाता हूं तो क्या होगा, ये फंक्शन लगातार बढ़ता जाएगा और अगर दोबारा सॉल्व करेंगे पूरा अगर, तो क्या होगा वो इसी फंक्शन में आता रहेगा।
तो देखो यहाँ पर W2 होगा, ठीक है। तो देखो अब इसको मैं k के बराबर मान लिया मैंने पूरे फंक्शन को, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक फंक्शन किसके बराबर हुआ, k किसी कांस्टेंट के बराबर हुआ। तो इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, f डैश आपका W1 और बराबर आपका कांस्टेंट k, और डिवाइड कर देता हूं आपका मैं किससे, आपका W1 से, ये फंक्शन बनेगा। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली इसके साथ कैसे होगा कि ये होगा W2 और ये जो k होगा वो अपॉन क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। एग्जैक्ट हो गया। अब देखो यहां पर एक डिफरेंशियल लगा हुआ है, वन डॉट का मतलब क्या, ऊपर ये डिफरेंशियल लगा हुआ है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी दोनों इक्वेशन को करेंगे इंटीग्रेट करेंगे हम। तो देखो अगर मैं इस इक्वेशन में इंटीग्रेट करता हूं अगर, तो क्या होगा, यहां से ये डिफरेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि फंक्शन क्या बचेगा, केवल बचेगा f w1। और देखो यहां पर k आपका कांस्टेंट है, तो k एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही रहेगा, और जो 1 अपॉन w1 जो है, तो आपको पता होता है फ्रेंड्स, अगर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा log x होता है, एग्जैक्ट वही यहां पर हम अप्लाई करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा log आपका w1 और प्लस कोई भी एक कांस्टेंट c1 मान लेता हूं, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करता हूं, यही अगर मैं इसके साथ करता हूं अगर, तो मुझे क्या मिलेगा, ये डिफरेंशियल हट जाएगा आपका, और आपका ये w2 इक्वल टू k, और आपका यहां से log, और आपका w2 और प्लस आपका c2, यानी कि ये जो मेरी इक्वेशन क्या बनी, ऐसी इक्वेशन बनी। तो यानी कि प्रत्येक इक्वेशन देख रहे हो कि दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी यहां देखो ये फंक्शन किसका है, w1 का फंक्शन है, तो यहां भी क्या है, w1 आया, इसके अलावा कोई दूसरा कंटेंट नहीं आया। तो और ध्यान दो यहां w2 है, ठीक है, w2 मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, और यहां भी क्या है, w2 है, ये फंक्शन भी क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो यानी इसके लिए अगर मैं कोई जनरल फंक्शन लिखना चाहूं अगर, तो क्या लिखूंगा, वो जनरल फंक्शन नहीं, लिखूंगा टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है, किसके लिए, एग्जैक्ट टोटल प्रोबेबिलिटी लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा, वो लिखूंगा k log आपका और आपका ओमेगा और प्लस आपका c, ये कोई फंक्शन लिखूंगा, एग्जैक्ट लिखूंगा। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम क्या आ रही है इक्वेशन में, कि ये जो इक्वेशन c है उसको अपन कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो c को फाइंड करने के लिए हम कुछ कंडीशन लगाते हैं। नंबर कंडीशन क्या है कि अपन लगाते हैं t इक्वल टू 0, यानी t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, 0 केल्विन, यानी एब्सोल्यूट टेंपरेचर लगाते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा कूल कर दिया उसे, आखिरी कूलेस्ट टेंपरेचर देने के। तो जब t इक्वल टू 0 होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे सिस्टम कोई गैसीय सिस्टम है उसको 0 केल्विन पर ठंडा कर दिया जाता है, तो क्या होगा, सारे पार्टिकल क्या होंगे, वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। तो अगर वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे तो उनके लिए माइक्रो स्टेट जो होगी वो क्या होगी, वो एक हो जाएगी, यानी कि उनके लिए मैक्रो स्टेट क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, क्लियर हुआ, क्योंकि सब किस में आ गए, ग्राउंड स्टेट में आ गए। दूसरा, वहां पर कोई भी दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है ग्राउंड लेवल के अलावा, तो वहां पे एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो, यानी नो डिसऑर्डर, कोई भी डिस्टर्बेंस डिसऑर्डर वहां पे नहीं होगा, तो वहां पे एंट्रोपी भी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी एंट्रोपी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस कंडीशन को हम यहां पर अगर अप्लाई करते हैं, अगर इस कंडीशन को अगर, तो देखिए यहां पर वो क्या, f w को एग्जैक्टली मैं यहां के सिनेरियो से क्या लिख सकता हूं, इस इक्वेशन से एंट्रोपी लिख सकता हूं, यानी कि यहां इस फंक्शन को मैं क्या लिखूंगा, s लिखूंगा, और एंट्रोपी सिस्टम में क्या होगी, इस कंडीशन में जीरो हो जाएगी, इट मींस इट इज जीरो इज इक्वल टू k एंड log ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कैसे क्या होगी, सॉरी w की वैल्यू ऐसे क्या होगी, 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 हो जाएगी, यानी कि log आपका हो जाएगा आपका 1 और प्लस आपका c। अब देखो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो एग्जैक्टली इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 इक्वल टू 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 0 आएगी। तो c की वैल्यू को यहां 0 पुट करने पर मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, मेरी इक्वेशन बनेगी s, यानी कि f w को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से s से एंट्रो लिख सकता हूं, s इक्वल टू आपका k एंड log और आपका जो है वो w। एग्जैक्टली ये जो रिलेशन है मेरा, ये रिलेशन एग्जैक्टली क्या कहलाता है, मेरा बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन कहलाता है। और बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, कि जो कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वहां पर हमेशा जो एंट्रोपी वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है हमेशा, और
जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और एंट्रोपी का एक इंपोर्टेंस ये है कि हमारे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार क्या कर रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, वहां पर डिसऑर्डरनेस बहुत ही ज्यादा हो रहा है वहां पर। तो आज के इस लेक्चर में हमने बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन को फाइंड आउट किया। थैंक यू।